ब्यूटी पार्लर संचालिका के साथ छेड़खानी और विरोध करने पर जानलेवा हमला करने में कथित प्रेमी समेत 3 युवक गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के पुलिस ने ब्यूटी पार्लर संचालिका के साथ छेड़खानी और विरोध करने पर जानलेवा हमला करने की सनसनीखेज घटना में महिला के कथित प्रेमी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। घटना के समय महिला अपने घर वापस लौट रही थी, जिसे रास्ते में घेर कर आरोपियों ने उसके साथ छेड़खानी की और जब महिला ने विरोध किया तो उसकी जमकर पिटाई करने के बाद अधमरा समझकर फरार हो गए। तीनों की पिटाई से लहूलुहान महिला का लखनऊ में उपचार चल रहा है। मल्लावा कोतवाली पुलिस के पहरे में खड़े कुलदीप निवासी मड़िया जफरपुर और उसके 2 साथी इसराइल और फयाज निवासी गौसगंज थाना कासिमपुर को पुलिस ने 9 अक्टूबर को थाना मल्लावा इलाके के एक गांव की रहने वाली 35 वर्ष से ब्यूटी पार्लर चलाने वाली दलित महिला के साथ छेड़खानी करने और जानलेवा पिटाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया। दरअसल अपना ब्यूटी पार्लर बंद करके अपने घर वापस लौट रही थी। रास्ते में महिला को कुछ लोगों ने पिटाई करने के बाद मरणासन छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया, जहां उसके बाद महिला को लखनऊ रेफर कर दिया गया। पुलिस की जांच और महिला के परिजनों की जानकारी करने पर इस मामले में उसके कथित प्रेमी कुलदीप का नाम सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने कुलदीप के खिलाफ मामला दर्ज करके उसके उन 2 साथियों सहित गिरफ्तार किया, जिन्होंने महिला के रास्ते में उसके साथ छेड़खानी की और जब महिला ने विरोध किया तो तीनों ने उसकी जमकर पिटाई किया। पुलिस ने महिला के संग छेड़खानी और जानलेवा हमला करने के आरोप में तेजी से कार्रवाई करते हुए आज 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। थाना मल्लावा से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला को मारपीट करके उसको सड़क पर छोड़कर कुछ बदमाश चले गए थे। इस सूचना पर PRV ने तत्काल मौके पर पहुंच करके महिला को जिला अस्पताल में दाखिल कराया, वहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया था। उनके घर वालों से तहरीर लेकर के, जिसमें एक व्यक्ति को नामजद किया गया था, 2 अज्ञात व्यक्ति थे, मुकदमा कायम किया गया और सघन प्रयास करके दोनों अज्ञात व्यक्तियों का पता लगा करके आज थाना मल्लावा पुलिस ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। लड़की को काफ़ी बुरी तरह से पीटा था उन्होंने और लेकिन अब लड़की ठीक है, उसको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है और अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। सर, आँखों वगैरह पे भी बात किया गया था, उन्होंने मुखों से और चाबी से उसकी आँखों पर भी अटैक किया था, जिससे उसकी आँखों में सूजन आई थी, लेकिन अब वो ठीक है। खबर जगत 24 न्यूज हरदोई से आशीष कुमार सिंह की रिपोर्ट।